हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं AKB टेक्निकल। तो बहुत से लोगों की शिकायत ये थी कि वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर वाला प्रॉब्लम है, वो ड्रायर का जब स्पिन करता है तो जल्दी रुकता नहीं है ढक्कन खोलने के बाद। ठीक है, तो उसके विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, LG का वॉशिंग मशीन है और यहाँ पे देखिए ड्रायर है। अभी इसको मैं चालू करता हूँ। देखिए, तो चालू हो गया और ये जब ऊपर करे तो मोटर, ये जो ड्रायर है वो बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, चलिए पीछे खोल कर देखते हैं। देखिए, ड्रायर का मोटर ये है। ठीक है, और ये जो वायर आया है, ये इसका ढक्कन का वायर है। अगर आप ढक्कन उठाते हैं तो मोटर रुक जाएगा। तो किस तरह से कैसे काम करता है, यहाँ पे देखिए एक ब्रेक शू लगा हुआ है। यहाँ पे आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं कैमरे को वहाँ पर ले जाकर दिखाता हूँ किस तरह से लगा हुआ है। देखिए, दिख रहा है ना, ये वाला है ब्रेक शू। ये ब्रेक शू है और इसी के अंदर में यहाँ पे ब्रेक शू का पैड होता है, वो घिस जाता है। ठीक है, वो घिस जाने की वजह से ये ब्रेक, ये देखिए इस तरह से, देखिए ये हो रहा ना ऊपर नीचे। ये क्या होता कि इस वाले जो ये लोहा का आपको दिख रहा बूस, इसमें ब्रेक नहीं लग पाता है। तो ये वाला आप अगर बदल देते हैं तो आपका ब्रेक काम करने लगेगा। जैसे ही ढक्कन उठाइएगा मोटर अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, यही ख़राब होने की वजह से आपका भी जो मोटर है वो जल्दी रुकता नहीं है।